हेलो दोस्तों, ये मेरा चैनल ज्ञानी इनफ लेकर आया हूँ आपके लिए फोर्ड इको स्पोर्ट का एक्चुअल शोरूम लुक, हाउ द कार लुक्स इन द शोरूम। तो जैसे हमेशा हम लोग शुरू करते हैं फ्रंट से गाड़ी के, तो फ्रंट लुक देख रहे हैं आप इसका। ये सामने जो आप ग्रिल देख रहे हैं, नीचे जो एयर इनटेक के लिए है, पूरी आपको एक क्रोम पे मिलती है। ऊपर की जो ग्रिल है, जहाँ फोर्ड का लोगो मिलता है आपको ब्लू शेड में, वो भी पूरा क्रोम में है। नीचे आप साइड में देख रहे हैं तो आपको फॉग लैंप्स मिल जाते हैं, जो आपको ये क्रोम पे बैकग्राउंड पे मिलते हैं। पूरा ये वाइट मॉडल है जैसे कि आप देख रहे हैं। चलते हैं दोस्तों पास से देखते हैं इसकी लाइट्स में आपको कैसे मिलती है, प्रोजेक्टर है कि नॉर्मल है। लाइट्स के पास में आ गए हम, तो आप देख रहे हैं नॉर्मल हेडलैम्प्स हैं ये, और ये आपकी इसमें इंडिकेटर वगैरह हो गए। उसके बाद चलते हैं साइड में, तो साइड में जैसे आप देख रहे हैं ये अलॉय व्हील मॉडल नहीं है, इसमें आपको नॉर्मल व्हील्स मिल जाते हैं। थोड़ा सा मैं पीछे से आपको लुक दे देता हूँ कि गाड़ी एज अ होल पूरी कैसी लगती है देखने में, अगर आप देख पाएँ। और ORVM के पास चलते हैं हम लोग, तो ORVM आप देख रहे हैं बॉडी कलर में दिए गए हैं, पूरे आपको इसमें इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं। साइड में आ गए हम लोग, जो ग्रैब हैंडल हैं वो भी आपके ओपन हैंडल्स हैं ग्रैब के लिए, वो आपको बॉडी कलर में दिए गए हैं जो अच्छे लगते हैं देखने में काफ़ी। चलते हैं दोस्तों पीछे की साइड, तो पीछे से जैसे आप देख रहे हैं ये इसका पूरा बैक लुक है गाड़ी का। तो जो आपको इसका जो एक्स्ट्रा टायर है वो आपको पीछे आपको माउंट करना होता है, जो बैक विंडो है आपका। नीचे आप देख रहे हैं आपको फोर्ड का लोगो, इको स्पोर्ट का लोगो क्रोम पे, और TDCI जो इसका इंजन है उसकी आपको बैजिंग मिल जाती है। पीछे की लाइट्स की बात कर लेते हैं, अगर पास में चलते हैं इसके, तो जैसे आप देख रहे हैं ये आपकी ब्रेक लाइट हो गई, पूरी प्लेन रेड पे दी गई है। यहाँ आपको थोड़ा सा ये क्रोम इंसर्ट मिल जाता है हल्का सा, और इधर आपकी ये लाइट हो गई गियर के लिए, सॉरी ये इंडिकेटर लाइट आपकी, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इंडिकेटर लाइट आपकी हो गई। चलते हैं दोस्तों दूसरे साइड, तो ये पहले मैं थोड़ा पीछे से इसकी साइड प्रोफाइल आपको दिखा देता हूँ। ऊपर आपको रूफ रेल मिल जाती हैं जो ब्लैक में दी गई हैं, आपको मैच कर रही हैं इसके एक्सटीरियर डिज़ाइन से। दोस्तों ये था इसका एक्सटीरियर लुक। हम लोग चलते हैं अंदर, गाड़ी के अंदर देखते हैं कि अंदर से आपको इसमें क्या क्या मिल जाता है, क्या क्या फीचर्स इसमें मिल जाते हैं। तो लेट्स गो इनसाइड द कार एंड सी हाउ द कार लुक्स फ्रॉम इनसाइड। तो जैसे आप देख रहे हैं ये इसके डोर पैनल से हम लोग अंदर अब शुरू कर रहे हैं गाड़ी का, देखना कि अंदर गाड़ी कैसी है। ये आपके जो ORVM से उसको एडजस्ट करने का बटन आपको डोर पे मिल जाता है, जो डोर की नॉब है खोलने के लिए उसके बगल में। नीचे आप देख रहे हैं काफ़ी आपको इसमें जगह मिल जाती है अपना सामान वगैरह रखने के लिए। अब दोस्तों चलते हैं अंदर इको स्पोर्ट के, देखते हैं अंदर से कैसी गाड़ी है। तो दोस्तों हम लोग इको स्पोर्ट के अंदर आ गए हैं, तो आपको पहले मैं एज अ होल पूरा दिखा देता हूँ। जो इसका फ्रंट कंसोल है वो पूरा एज होल आप देख लीजिए पूरा, तो गाड़ी आप देख रहे हैं पूरा ब्लैक फिनिश में, और आपको दो टोन में मिल जाती है ब्लैक और सिल्वर में, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन चूज़ किया गया है यहाँ पे। जो इसके और भी जो डिफरेंट मॉडल्स, जो इसके टॉप मॉडल आते हैं टाइटेनियम में जो होता है, उसमें आपको यहाँ पर टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम पूरा आपको मिल जाता है यहाँ पर, और ये एक अच्छा एडिशन है उसमें। उसका रिव्यू भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा अगर वो मुझे मॉडल मिला इसका वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं इसका जो मीटर्स हैं उसकी पहले बात कर लेते हैं, तो आपको यहाँ मिल जाते हैं RPM मीटर, बीच में आपको छोटा सा डिजिटल डिस्प्ले मिल जाता है जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह टेम्परेचर की, किलोमीटर डन वगैरह देखने को मिल जाते हैं। नीचे आप देख रहे हैं तो आपका ये फ्यूल गेज हो गया, इधर आपका स्पीडोमीटर हो गया, बीच में जो सिग्नल्स होते हैं जो गाड़ी के नॉर्मल फंक्शनिंग के, वो सब आपको मिल जाते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं ये आपका जो मीटर का कंसोल है वो थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो काफ़ी स्पोर्टी लग रहा है देखने में। चलते हैं स्टेयरिंग की तरफ, तो देखते हैं स्टेयरिंग पे आपको क्या मिल जाता है। तो आप जैसे ये देख रहे हैं सारे एयरबैग मॉडल है ये, इसमें आपको जो कंट्रोल्स मिलते हैं वो मिल जाते हैं आपको इन्फोटेनमेंट सिस्टम के, यहाँ से अपना इन्फोटेनमेंट सिस्टम कंट्रोल कर सकते हैं। बात कर लेते हैं AC वेंट्स की, तो ट्राइंगल शेप में दिए गए हैं, एयर फ्लो इसकी क्वालिटी अच्छी होगी और आपको हवा इसमें प्रॉपर आने वाली है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं इसके मिडिल कंसोल में, तो मिडिल कंसोल से अगर आप देखते हैं तो इस जगह पे आपको अच्छा खासा सामान आप यहाँ पे रख सकते हो, थोड़ा बहुत सामान आपका इधर आ जाएगा। फ्रंट कंसोल की बात कर लेते हैं, तो आपको पूरा ये नॉर्मल इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, इसमें आपको टच पे नहीं मिलता है। दूसरा मॉडल जब मुझे मिलेगा तो मैं उसका वीडियो लेके आऊँगा आपका इंटीरियर का, जिसमें आप उसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो देख सकते हैं। चलते हैं नीचे, तो नीचे आप जैसे देख रहे हैं ये आपके AC कंट्रोल्स हो गए, बीच में छोटा सा डिस्प्ले मिल जाता है जो आपको इन्फॉर्मेशन दिखाएगा इसमें कि क्या कितना टेम्परेचर पे गाड़ी क्या हो रही है और कितनी कूलिंग वगैरह इसमें चल रही है। नीचे आप इधर देखते हैं यहाँ पे, तो ब्लैक पियानो फिनिश पे पूरा आपको लुक मिल जाता है जो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। उसके देखते हैं नीचे इको स्पोर्ट भी आपको यहाँ पे बैजिंग इसकी मिल जाती है जो इनबिल्ट है आपके ब्लैक शेड में ही। बात कर लेते हैं इसके गेयरबॉक्स की, तो ये मैनुअल मॉडल है, 5-speed गेयरबॉक्स मॉडल है विद रिवर्स है, और जो इसका हमेशा जैसे मैं गाड़ियों को दिखाता हूँ आपको एक वर्टिकल लुक दे देता हूँ पूरे जो इसका मिडिल कंसोल है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलते हैं थोड़ा सा पीछे, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये आपका हैंड ब्रेक हो गया, 12 वोल्ट का सॉकेट आपको इधर मिल जाता है आपका मोबाइल वगैरह चार्ज करने के लिए, दो आपको कप होल्डर्स मिल जाते हैं यहाँ पे, और पीछे भी एक बड़ा कप होल्डर मिल जाता है जिसमें काफ़ी आपका सामान वगैरह आप इसमें रख सकते हैं।
चलते हैं दोस्तों, इसका जो ग्लव बॉक्स है वो देख लेते हैं पहले कितना इसमें जगह है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि अच्छा खासा सामान इसमें आराम से आ जाएगा, अच्छी खासी स्पेस इसमें दी गई है। तो ओवरऑल जो डिज़ाइन फ्रेम है इसका, डिज़ाइन लैंग्वेज है वो बहुत ही प्रॉपर है, जैसे आप फील कर पा रहे होंगे वीडियो से देख के। और जो इसका पैसेंजर साइड है वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो आपको यहाँ पर विंडो की जो अप डाउन जो बटन है वो आपको मिल जाती है। इसमें आपको जो जो बटन हैं उस पर भी आपको लाइटिंग मिल जाती है, जो एक अच्छा फीचर है। इसके बाद दोस्तों ये था इसका फ्रंट लुक जो मैंने आपको दिखाया मिडिल कंसोल का। अब चलते हैं गाड़ी के पीछे, पीछे से सीट से देखते हैं कि गाड़ी कैसी लगती है, कितनी जगह वगैरह इसमें मिल जाती है और पैसेंजर्स को कितना कंफर्ट आता है। तो लेट्स गो टू द बैक ऑफ द कार एंड सी हाउ इट फील्स टू बी इन द बैक सीट। तो दोस्तों हम लोग कार के पीछे आ गए, इको स्पोर्ट के पीछे आ गए हैं। तो जैसा पीछे से देख रहे हैं फ्रंट कंसोल एज अ होल पूरा बहुत अच्छा लगता है, फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन लगती है देखने में। और जो पैनल गैप्स वगैरह हैं वो बिल्कुल नहीं आपको मिलते हैं, प्रॉपर जैसे फिटिंग वगैरह पूरी अच्छी मिल जाती है, क्योंकि फोर्ड की गाड़ी जैसे आप जानते हैं। और अगर मैं पीछे से बात करूँ तो गाड़ी बहुत अच्छी लगती है देखने में। पीछे आप देखते हो तो आपको रियर एसी वेंट्स वगैरह इसमें नहीं मिलते हैं। आपको जो यहाँ पे है आपका वन टच, आपका जो बटन्स हैं विंडो अप डाउन करने के लिए वो आपको इसमें मिल जाती हैं दोनों साइड। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो रिव्यू इको स्पोर्ट का, फोर्ड इको स्पोर्ट का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। और तब तक के लिए देखते रहिए ज्ञानी इनफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।